गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम प्रश्नावली 1C.45 हल करेंगे, जिसका पहला सवाल है साइन ए बराबर 3/5 तथा कॉस बी बराबर 12/13 और हमें मान ज्ञात करना है साइन ए प्लस बी का। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले साइन ए बराबर 3/5 और हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1 - sin² a। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 1 - sin² a का मान यहाँ से रख देंगे 3/5 इसका संपूर्ण वर्ग। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 1 - 9/25। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, लघुत्तम लो इसको हल करेंगे हम, 25 - 9/25। कॉस ए बराबर, अब इसको हल कर लें, इसका मान आएगा 16/25। कॉस ए बराबर ±4/5। तो ये हमारा मान आ गया किसका, कॉस ए का। इसी प्रकार हम मान निकाल लेंगे साइन बी का, है ना। तो साइन बी बराबर हमें पता है ये होता है 1 - cos² b। तो साइन बी का जो मान आएगा वो होगा हमारा 1 - cos² b, इसका मान रख दूँ 12/13 इसका संपूर्ण वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 144/169, ठीक है। इसको लघुत्तम लेके अगर हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा 169 - 144/169। तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 25/169, है ना। और इसको जब अपन हल करेंगे तो इसका मान आएगा 5/13। तो ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, ये मान आया हमारा साइन बी का। तो साइन बी का जो मान आया वो हो जाएगा 5/13 प्लस माइनस के साथ, है ना। तो हमने किस किस का मान निकाल लिया, साइन ए और कॉस बी का मान हमें दिया था, हमने कॉस ए और साइन बी का मान निकाल लिया। अब हम इसकी सहायता से साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने साइन ए 3/5 हमें दिया है, कॉस ए 4/5 हमने मान अभी निकाला, और साइन बी का मान 5/13 ये हमने निकाला है, और कॉस बी का मान हमें दिया हुआ है 12/13। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन ए प्लस बी का। तो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हम इसमें मान रख देंगे, जैसे साइन ए का मान हमें क्या दिया हुआ है 3/5 गुणित कॉस बी, कॉस बी का मान हमें दिया है 12/13 धन कॉस ए, कॉस ए का मान हमें दिया हुआ है 4/5 और साइन बी का मान हमें दिया हुआ है 5/13। तो ये सभी मान हमने निकाल लिए और इसमें रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक आएगा वो कितना आएगा, 65, या उसका अपन ऐसा कर लो 65/36 - 20। इसको जब हम हल करेंगे 56/65, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार हम मान ज्ञात करेंगे, और हमसे काय का मान पूछा है, कॉस ए ऋण बी का। तो हम देखते हैं कि कॉस ए ऋण बी का मान हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम मान ज्ञात करेंगे कॉस ए ऋण बी का।
तो हमें पता है कि कॉस ए ऋण बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इनके मान रख देना है। कॉस ए का मान 4/5 इंटू कॉस बी का मान 12/13 धन साइन ए का मान 3/5 और साइन बी का मान 5/13। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो ये हो गया 3/13, है ना। अब इसको हम लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 65। यहाँ पे हो जाएगा 48 धन 15, 48 और 15 ये हो जाएंगे आपके 63/65। तो इस प्रकार कॉस ए माइनस बी का मान आएगा 63/65। तो हम यहाँ पे त्रिकोणमिति के सवालों को सर्व समीकाओं की सहायता से हल करेंगे, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, साइन ए धन बी का फॉर्मूला, कॉस ए धन बी का फॉर्मूला, साइन ए ऋण बी का फॉर्मूला और कॉस ए ऋण बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा और उनकी सहायता से हम इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। क्लास आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1C.5, इसका सवाल नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है साइन 105 प्लस कॉस 105 बराबर कॉस 45। अब हमें क्या करना है कि साइन 105 और कॉस 105 का मान ज्ञात करना है। अब यह हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तो इसका मान पता नहीं है और जो हमें पता है वो 30 45 60 90 इनके मान पता हैं। तो इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे, आइए हम देखते हैं इन सवालों को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और यहाँ पर लिया मैंने सवाल। अब मैं क्या करूँगा, साइन 105 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ लूँ जिनके हमें मान पता है। जैसे मैंने देखिए क्या लिखा, साइन 60 धन 45, है ना। अगर मैं 60 में 45 जोड़ूंगा तो इसका मान 105 आएगा, और अगर मैं कॉस में 105 का मान चाहिए तो मैं इसमें 60 और 45 जोड़ूंगा तो इसका मान आ जाएगा 105, ठीक है। तो ये हो गया साइन, इसको मैंने क्या किया 105 को लिख दिया 60 धन 45, ऐसे ही मैंने कॉस को लिख दिया 60 धन 45, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, साइन ए धन बी, और दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए धन बी, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम इसमें मान रख दें तो हमारा इसका मान आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे लगाएंगे तो साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, ठीक है। फिर क्या लगा है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो। इसके बाद आएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ लगाएंगे हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए यानी कि कॉस 60, कॉस बी कॉस 45, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो ये हो गया आपका, ये वाला फार्मूला भी लग गया, ये वाला फार्मूला भी लग गया। अब हमें इनके मान रख दो, साइन 60 का मान करणी 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/2, ऋण साइन 60 करणी 3/2 और साइन 45 1/2। अब हम इनको जोड़ घटा के हल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा
रूट थ्री अपॉन टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू और माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट टू। ये इनके मान आ गए, ये मान धनात्मक, ये मान ऋणात्मक कट जाएगा। अब इसके आगे देखें अपन इसको कैसे हल करेंगे। ये कट गए, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो इसका आएगा लघुत्तम टू रूट टू और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस वन, वन और वन जुड़ के हो जाएंगे दो बट्टे टू रूट टू। ये इससे कट गया और इसका मान आया वन अपॉन रूट टू। तो ये हम किसका मान निकाल रहे थे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था इसका मान आया था, है ना। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, कॉस 45, और हम जानते हैं कॉस 45 का मान होता है वन अपॉन रूट टू। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम प्रश्नावली 1C.5 को इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ हम सर्व समीकरणों का उपयोग करके इनके मान ज्ञात करेंगे जिसकी सहायता से ये पूरी प्रश्नावली हल होगी। तो आप लोगों को घर पे इनके बाकी के सवाल प्रैक्टिस करके देखनी है, जो सवाल आप पे ना बने फिर वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।